अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज हमने प्रोग्राम बनाया बाहर बीच पे बारबेक्यू लगाना है, तो अभी मसाला लगाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और कैसे मसाला लगाना है, वो देख। ये फ्रूट भी लेके आए हैं वहाँ लेके जाने के लिए बीच पे, ये देखे सारे एप्पल है, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, ये लगौन है और ये देखें, ये सारा कुछ वहाँ पे लेके जाना है। हमने बारबेक्यू करने लगे हैं आज। ये आलू है और ये आलू बखारा है और ये एक नया ही फ्रूट है लगौन। ये सारा कुछ फ्रिज में बोतल वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी रखती हैं ठंडी हो जाए, वो भी साथ लेके जानी है और ये भी फल भी साथ लेके जाना। गोश्त को साफ करके इधर रखा है, अभी इसको ना मसाला लगाने लगे हैं बारबेक्यू बनाने के लिए। इसमें चट्टू में सूखा धनिया और जीरा डाल के इसको क्रश कर रहे हैं। ये सारा सामान हमने मसाला जात निकाल के रख दिए, अब बारी बारी इसमें डालेंगे और फिर इसमें वो चिकन जो है ना मैरिनेट करके रखेंगे। सबसे पहले ये दही डालनी है इसमें, जितना का चिकन है उसकी क्वांटिटी उसके मुताबिक डालनी है। चार मुर्गियों में तकरीबन चार मुर्गियों में तकरीबन ये जो है ना चार पांच चमचे जो है ना बड़े वाले डालते हैं। व्हाइट पेपर व्हाइट पेपर जो है ना इसमें ऐड करनी है, उसका लहसुन पाउडर। हाँ, लहसुन पाउडर, हाँ ये रेड मिर्चें हैं, गरम मसाला डालना है, क्रश मिर्ची और नमक डालना है इसमें। अब ये जो सूखा धनिया और जीरे को हमने क्रश किया था, ये चलिए एक दो चमचे जो है इसमें डाल देंगे। ये सिरका है, ये तीन चार जो ना चमचे टेबलस्पून हमने डालना है। आप लेमन भी यूज कर सकते हैं इसमें, लेमन का रस निकाल के ना तो वो भी यूज कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा अदरक पाउडर है, आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, उसका पेस्ट बना के अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के ना तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा। अब ये सोया सॉस, इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए ना इसमें ये जो है ना ऑरेंज कलर का ना फूड कलर डालेंगे, इससे उनकी लुक बहुत अच्छी आ जाती है टिक्कों की। हाँ, ब्लैक पेपर भी, ये एक टीस्पून जो है ना ब्लैक पेपर ऐड करने लगे बीच में। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, ये सारी चीजें जो है ना यकजान हो जाएं, नमक मिर्च और जो मसाले वगैरह ऐड किए वो सारे एक जैसे हो जाएं। ये जो चिकन हमने रखा था ये इसमें ऐड कर दिया, सारा इसमें डाल के
इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चाहे आप अपने हाथों से करने या चाहे किसी चमचे वगैरह से करने, ये हाथों से ही अब करने लगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है कि सारे मसाले जो है ना इसमें जो डले हुए हैं ना वो सही तरीके से मिक्स होके इसमें रच जाएं। मिक्स करने के बाद आप इसका टेस्ट थोड़ा सा वो फिंगर के साथ ना इसको टच करके तो टेस्ट भी कर सकते हैं कि कोई चीज़ हल्की या ज़्यादा तो नहीं है। अगर नमक और मिर्च वगैरह कम है तो वो फिर और ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसको 4-5 घंटे के लिए मैरिनेट करके तो फ्रिज में रख देंगे और जब हम जाएंगे बीच पे तो वहाँ जाके उतने घंटे तो हो ही जाएंगे और आराम से फिर निकाल के तो तिक्के लगाएंगे। और जैसा आपको मसाले लगाने बताए हैं आप ज़रूर इसको बनाइएगा और टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, फिर देखें कि कितने ही मज़ेदार हैं ये बारबेक्यू, कितना ही मज़ेदार होता है। इसको ढक के ना अब फ्रिज में रख देते हैं हम। इसके बाद जब अब जाने लगेंगे बच्चों को तैयार करने लगे हैं जाके उधर बारबेक्यू करेंगे। अब इसको ढक के दिए बीच में रखने लगे हैं, फिर जब जाना होगा बीच पे तो निकाल लेंगे, क्योंकि गर्मी है ना तो गर्मी से बाहर रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए इसको फ्रिज में हम करने लगे हैं। सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, चाय का भी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बच्चों के सारे तैयार हो गए, बच्चे भी सारे चाय का सामान सारा रख रहे हैं, चिप्स वगैरह वहाँ, ये चाय का थर्मोस वगैरह सारा कुछ रखा है, इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारा कुछ रखा है इसमें। अब जाने लगे हैं घर से, सारे तैयार हो गए हैं, मियां साहब तैयार हो गए हैं, बाकी सारा जाके रख रहे हैं वहाँ पे। हाँ जी सारे तैयार हो रहे हैं, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं ऐसा ऐसा, तो गाड़ी पे सामान सारा रख रहे हैं, अभी थोड़ी देर तक निकलते हैं, सारी फैमिली जाने लगी है। इशाल दादा आपके साथ जा रही है, चलो इस तरफ हाँ जी गाड़ी में जाके बैठने लगी हूँ। चलो बैठो, विशाल आप बैठ के हाँ बोलो। सामने स्टेडियम विशाल बैठी हुई है। हाँ जी हाँ जी बस पहुंचने वाले हैं। बाय
पापा। हेलो बोलो। हाँ जी ईशा जुबान नहीं निकालते। ये हम